कॉम्प्रेंशन में जो डेफिनेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को चेक करना है कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. तो सिंस इट इज गिवन टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो डेफिनेशन कॉम्प्लीशन में दे रखी है इसके अकॉर्डिंगली ए डैश ए मस्ट बी इक्वल टू ए ए डैश मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो ए डैश इज ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स दैट इज जीरो अल्फा अल्फा टू बीटा बीटा माइनस बीटा एंड गामा माइनस गामा गामा इनटू ए इज जीरो अल्फा अल्फा 2 beta beta minus beta and gamma minus gamma gamma this is equal to identity matrix. तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वी हैव 0 into 0 alpha into alpha alpha square and alpha into alpha alpha square we will have 2 alpha square so r1 into c1 करेंगे तो 0 into 2 beta 0 ये अल्फा इनटू बीटा और ये माइनस अल्फा बीटा तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा कैंसिल हो गया जाएगा जीरो. देन आर वन इनटू सी थ्री करेंगे तो जीरो इनटू गामा जीरो अल्फा इनटू माइनस गामा अल्फा और अल्फा इनटू गामा अल्फा तो माइनस गामा अल्फा और गामा अल्फा कैंसिल हो गए ये भी क्या जाएगा जीरो. नाउ सेकंड रो वर्सेस फर्स्ट कॉलम तो टू बीटा इनटू जीरो दैट इज जीरो बीटा इनटू अल्फा अल्फा बीटा और माइनस बीटा इनटू अल्फा माइनस बीटा ये टर्म भी जीरो हो जाएगी. सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये जाएगा 4 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिस विल बिकम 6 बीटा स्क्वायर. और सेकंड रो वर्सेस थर्ड कॉलम तो ये जाएगा 2 बीटा गामा माइनस बीटा गामा माइनस बीटा गामा तो अगेन दिस इज जीरो. अब r3 से करते हैं थर्ड रो से तो दिस इज जीरो माइनस गामा अल्फा दैट मींस इट इज जीरो. It is 2 beta gamma minus beta gamma 0 and finally gamma square plus gamma square plus gamma square this is 3 gamma square or identity matrix is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So compare karenge we have 2 alpha square must be equal to 1 6 beta square must be equal to 1 and 3 gamma square must be equal to 1 that means alpha should be plus minus 1 by root 2 beta should be plus minus 1 upon root 6 and gamma should be plus minus 1 by root 2 that means 3 cheez sahi honi chahiye. T is the correct option.